यह हैवेल्स कंपनी का गैस गीजर है और ऑन नहीं हो रहा है। सभी गैस गीजर 3 वोल्ट की डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। यह इसका वाटर इनलेट पाइप है, यह गर्म पानी का आउटलेट पाइप है और यह एलपीजी गैस की इनलेट पाइप है। गीजर ऑन न होने पर सेल के बॉक्स का लॉक ओपन करते हैं और दोनों सेल को अनलॉक करके सेल बाहर निकाल लेते हैं और पुराने सेल की जगह नया सेल लगाते हैं। सेल किस तरह लगाए जाते हैं जरूर समझिए। एक सेल का निगेटिव एंड यानी पीछे का हिस्सा इस स्प्रिंग से टच करना चाहिए, दूसरे सेल का पॉजिटिव यानी आगे का हिस्सा इस टर्मिनल से टच होना चाहिए। पहले इस सेल को इस तरह बैठाते हैं कि इसका निगेटिव सिरा अंदर की तरफ हो जाए और दूसरे सेल का निगेटिव इस स्प्रिंग से टच करना होता है तो इस सेल का पॉजिटिव सिरा बॉक्स के अंदर की तरफ करके सेल बैठाते हैं और बॉक्स को क्लोज करके इस तरह लॉक कर देते हैं। गीजर को ऑन करने के लिए गर्म पानी की टोटी को खोलते हैं, ये ऑन हो गया। यहां से आप फ्लेम देख सकते हैं, साइड से बर्नर की आग आप देख रहे होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।